हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही लंबे समय के बाद मैं सॉर्ट एंड ब्रोकेज का नेक्स्ट पार्ट डाल रही हूँ। इसके दो पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप इसकी स्टोरी भूल गए हैं तो आप उन दो पार्ट्स को वापस देख सकते हैं। लेकिन अब कहानी डेली कंटिन्यू होगी, तो आप इस पार्ट को मिस मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग पार्टी में ओपेरा शो को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी शी की बड़ी बहन यानिंग उसे अकेले मिलने के लिए बुलाती है। शी जब उससे मिलने जाती है तो यानिंग उसे देखकर खुश हो जाती है। दोनों वॉक करने लगती हैं और चलते चलते यहाँ वहाँ की बातें करने लगती हैं। एक्चुअली इस वक्त यानिंग ने कोई और ही प्लानिंग कर रखी थी, और यानिंग की प्लानिंग थी लियांग फेंग को लेकर, क्योंकि वो जानती थी कि लियांग फेंग ज्यूलिंग से शादी करना चाहती है और यानिंग लियांग फेंग को पसंद नहीं करती थी। वो लियांग फेंग की ड्रेस पर अपनी एक मेट से कहकर चाय गिरवा देती है और ड्रेस चेंज करने के बहाने लियांग फेंग को ज्यूलिंग के कमरे में पहुंचा देती है। कुछ समय बाद जब ज्यूलिंग अपने रूम में वापस आता है तो लियांग फेंग को वहाँ कपड़े चेंज करते हुए देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। और उसी वक्त यानिंग भी कमरे में आ जाती है, जो कि उसकी प्लानिंग थी, और अपने पति को लियांग फेंग के साथ देखकर वो लियांग फेंग को भला बुरा कहने लगती है और उसे शेमलेस लड़की कहने लगती है। लियांग फेंग यानिंग को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ गलती से हुआ है और आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, लेकिन यानिंग कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि यानिंग ने ही ये सारी साजिश लियांग फेंग के खिलाफ की थी। अब यानिंग मौके का फ़ायदा उठाकर सबको वहाँ बुला लेती है और मैडम जियाओ और लियांग फेंग की मदर को लियांग फेंग की करतूत के बारे में बताती है और उसके सामने एक ही रास्ता छोड़ती है, और वो लियांग फेंग से कहती है, क्योंकि तुमने मेरे होते हुए भी मेरे पति के साथ बहुत गलत हरकत की है, इसलिए या तो तुम इसकी कॉन्क्यूबाइन बन जाओ और या फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वैसे मेरे पति मिस्टर ज्यूलिंग की कॉन्क्यूबाइन बनना तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और बेचारी लियांग फेंग, जो कि यानिंग के मरने के बाद ज्यूलिंग की वाइफ बनने के सपने देख रही थी, उसे अब ज्यूलिंग की कॉन्क्यूबाइन बनना पड़ता है। उसकी माँ उसे बार बार समझाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लियांग फेंग कहती है कि मैं ज्यूलिंग से बहुत प्यार करती हूँ और अगर मुझे उनकी कॉन्क्यूबाइन बनने का मौका मिल रहा है तो मैं कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं जीवन भर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। हालांकि ज्यूलिंग भी उसे ऑप्शन देता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढ सकते हैं और तुम्हारा दहेज देने में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन लियांग फेंग उसकी कॉन्क्यूबाइन बनना ही मंजूर करती है। इसके बाद ज्यूलिंग अपने कमरे में जाता है और अपनी वाइफ यानिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ लियांग फेंग के साथ ये सब कुछ तुमने किया है, काश तुम उस पर थोड़ा भरोसा करती, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा करके तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है। तो यानिंग कहती है कि आप किस प्यार की बात कर रहे हैं, आपने मुझे दूरियों के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। और जहाँ तक लियांग फेंग की बात है, तो जब से उन्हें पता चला है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है कि मैं जल्दी ही मर जाऊँगी, तब से वो और उसकी माँ बार बार पैलेस में चक्कर लगाते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं उसे आपकी बीवी कभी नहीं बनने दूँगी। और आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करने की जगह उस बेशर्म लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। और गुस्से में इतना बोलते बोलते यानिंग को अचानक खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी ओपेरा शो में एक मेड सर्वेंट ये बार जाकर यानिंग की मदर मैडम लियो को बताती है कि यानिंग की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी है। मैडम लियो अपनी बेटी यानिंग के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि आज तुमने लियांग फेंग के साथ जो भी किया वो बहुत ही ख़तरनाक था, और इस बारे में ज्यूलिंग का क्या कहना है। तो यानिंग कहती है कि आप अच्छे से जानती हैं मैंने जो भी किया वो करना कितना ज़रूरी था, हमारे रास्ते का सबसे मुश्किल कांटा लियांग फेंग थी और उसे हटाना ज़रूरी था। और जहाँ तक ज्यूलिंग की बात है, वो अपनी माँ की कोई बात नहीं डालता, और मैडम जियाओ ये फैसला कर चुकी हैं कि अगर लियांग फेंग इस घर में आएगी तो सिर्फ ज्यूलिंग की कॉन्क्यूबाइन बनकर। इसके अलावा वो ज्यूलिंग की दूसरी शादी के लिए भी मान गई हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि उसकी दूसरी शादी सिर्फ और सिर्फ शी के साथ हो। हालांकि मैं अर्नयांग की शादी ज्यूलिंग के साथ चाहती थी। तो मैडम लियो कहती हैं कि अर्नयांग ज्यूलिंग के लिए परफेक्ट मैच नहीं थी, शी एक गुड मैच है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि शी ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है और उसे कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। मैडम जियाओ अपने बेटे ज्यूलिंग को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं जानती हूँ लियांग फेंग के साथ ये सब तुम्हारी बीवी यानिंग ने किया है, उसने जानबूझ के लियांग फेंग को फंसाया है जिससे कि वो तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बन सके, और अगर लियांग फेंग ने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बीवी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी।
तो ज्यूलिंग अपनी माँ से कहता है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं लियांग फेंग से प्यार नहीं करता। आप जानती हैं इससे पहले भी मेरी बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी मैं नहीं चाहता और हर बार मेरी शादी फेल हुई है। हम लियांग फेंग की शादी किसी और से भी तो करवा सकते हैं। तो मैडम ज़ियाओ कहती हैं कि एक औरत की इज्जत उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी होती है, और लियांग फेंग की इतनी बदनामी के बाद अब कौन सा अच्छा लड़का उससे शादी करेगा, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हें मेरे लिए करना होगा कि तुम्हें लियांग फेंग को अपनी कंक्यूबाइन बनाना होगा। दूसरी ओर शी अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि मुझे इस बात की चिंता है कि योनिंग ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था, और लियांग फेंग के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसकी इकलौती गवाह हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि योनिंग ज्यूलिंग की सेकेंड वाइफ मुझे बनाना चाहती है। वहीं मैडम ज़ियाओ अपने बेटे ज्यूलिंग से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी वाइफ योनिंग बहुत ज़्यादा कंपटिटिव है, और अब जबकि वो जानती है कि वो जल्दी ही मरने वाली है, इसलिए जब तक वो अपने बेटे जुन के लिए पूरी अरेंजमेंट नहीं कर देती वो चैन से नहीं बैठेगी। तो ज़ूलिंग कहता है कि भले ही मैं उसे प्यार ना करता हूँ, लेकिन वो मेरी बीवी है और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। आप तो जानते ही हो कि जियांग फैमिली के दो बेटे हैं, जियांग सॉन्ग और जियांग बाई। जियांग बाई एक अच्छी ऑफिसर पोजीशन पर है, लेकिन जियांग सॉन्ग एक बहुत बड़ा स्कॉलर है और उसने एक प्राइवेट स्कूल खोला है जिंगसी नाम से। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर जुन जियांग सॉन्ग की बड़ी बेटी से शादी करे। दूसरी ओर शी की माँ उसे समझाती है कि अगर तुम्हारी शादी ज्यूलिंग से हो जाती है तो तुम यहाँ की महारानी बन जाओगी, तुम्हारा ओहदा बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा मुझे लगता है ज्यूलिंग बहुत अच्छा आदमी है और वो तुम्हारे लिए एक अच्छा पति साबित होगा। लेकिन शी कहती है कि मैंने देखा है ज्यूलिंग की ऑलरेडी दो कॉन्क्यूबाइंस हैं, और इसके अलावा अब लियांग फेंग भी उनकी तीसरी कॉन्क्यूबाइन बनने जा रही है। मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं होगा। मैं किसी भी ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिसकी ज़िंदगी में पहले से ही दो तीन औरतें हैं। इससे अच्छा तो मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजार दूंगी माँ। अगले दिन शी अपनी मेड डोंकिंग के साथ मार्केट के लिए निकलती है। रास्ते में वो डोंकिंग से कहती है कि ये मेरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तुम जाओ मेरी टीचर के पास और इस वर्क को सेल के लिए उन्हें दे दूँ, और जब तक के लिए मुझे कुछ काम करना है इसलिए मैं यहाँ से अकेली जाऊँगी। इसके बाद शी डोंकिंग को गाड़ी में अकेला छोड़कर ये कहकर निकल जाती है कि इससे आगे मुझे अकेले ही जाना होगा क्योंकि मुझे एक बहुत ही सीक्रेट काम करना है। लेकिन तभी शी की नज़र मार्केट में ज्यूलिंग पर पड़ती है, जो अपने आदमियों के साथ उन भागे हुए चोरों का पता लगाने के लिए आया होता है। ज्यूलिंग को अपने सामने देखकर शी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो एक दुकान वाले से टकरा जाती है और दुकान वाले का कुछ सामान टूटकर गिर जाता है। इसके बाद वो दुकान वाला शी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने जो मेरा नुकसान किया है इसकी भरपाई तुम्हें ही करनी होगी। लेकिन तभी ज्यूलिंग वहाँ पहुँच जाता है और उस दुकान वाले की बदतमीजी से शी को बचा लेता है। इसके बाद वो शी से पूछता है कि तुम इस खतरनाक जगह पर अकेली क्या कर रही हो, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने अकेला भेज कैसे दिया। तो घबराहट में शी झूठ बोल देती है कि मैं यहाँ मेरे कई सारे सर्वेंट्स के साथ आई हूँ और वो लोग मेरा शायद पीछे इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज्यूलिंग कहता है मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मुझे सच्चाई बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो शी कहती है कि मेरा यहाँ आने का अपना ही एक पर्सनल रीज़न है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस मुलाकात के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। ज्यूलिंग कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि मैडम लियो को सुरक्षित उनके घर छोड़ आओ। तो शी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकती हूँ। तो ज्यूलिंग कहता है कि तुम मेरी वाइफ की बहन हो और इतनी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचाऊँ, इससे उसे खुशी मिलेगी। तो शी कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बहन की खुशी की इतनी ही चिंता थी तो तुम्हें उस दिन लियांग फेंग के साथ वो गलत काम नहीं करना चाहिए था। और ऐसा कहकर वो चली जाती है और ज्यूलिंग उसे देखता रह जाता है। और इसी के साथ मैं आज का पार्ट ख़त्म करती हूँ। आई नो ये पार्ट उतना लंबा नहीं है जितना कि हमेशा होता है, लेकिन एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है और मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यही रीज़न है कि इतना गैप हो गया इस पार्ट को लाने में। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे साथ हो ही जाती है। वैसे अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी ही लाऊंगी, लेकिन स्क्रीनशॉट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है।
सो काइंडली सपोर्ट। तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। टिल देन टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।